आज का महानगर में आपका स्वागत है। कौसा एमएम वैली परिसर में खोजा शिया कब्रिस्तान की इफ्तेदा हुई। 2 नवंबर के रोज यहां पर समुदाय के सभी जिम्मेदार लोग मौजूद थे। इन्होंने मुंब्रा कौसा के विधायक जितेंद्र अवहाड़ को भी आमंत्रित किया था, क्योंकि जितेंद्र अवहाड़ ने इन्हें यह कब्रिस्तान दिलाने के लिए काफी सहयोग किया था। हम आपको सारे वीडियोस दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार यहाँ पर पूरा माहौल था और किस प्रकार जितेंद्र अवहाड़ का शुक्रिया अदा किया गया है। ऊपर बोर्ड के साथ ले लो। जो शिया समुदाय को ये कब्रिस्तान दिया गया हैंड ओवर हुआ, इन्होंने इतनी आलीशान यहाँ पे मस्जिद बनाई है और इनके साथ आपसे कुछ रब्ता भी हुआ है, कुछ बातचीत भी है, इसके बारे में पूरी क्या मालूमत देना चाहिए? देखो मैं एक बात बताता हूँ कि आज सही में मुझे लगा कि मैंने मुंब्रा में काम किया। और जो इन्होंने बोला, क्या बोला आपने कि गाली क्या? मैंने बोला जब तक आपके काम की कोई मुखालिफत न करे तब तक ये नहीं सोचता कि आपका काम बारगाह इलाही में कबूल हो गया। ये काम कबूल हो गया, मतलब काम करने वाले हमेशा चर्चे में रहते हैं और उन पे गलत इल्जाम लगते हैं, मतलब ये आपका कहना है? बात समझियो, जो प्लेयर फील्ड में खेलता है ना वो ताली नहीं बजाता है। ताली बजाता कौन है जो स्टेडियम में रहता है? खेलने वाला कभी ताली नहीं बजाता है, कुछ बोलता नहीं है, ये प्लेयर है। और वो जो आपने कहा कि 50 बार मुझे यहाँ पे भी अवार्ड साहब के आने के पहले मुझे जरा घेरा गया, पॉलिटिकली सवाल किया गया कि अवार्ड साहब ने इसमें क्या किया है। मैंने फिर थोड़ा स्ट्रॉन्गली बोला कि वो टाइगर है, 50 बार पूछो तो 51 बार यही बोलूंगा कि हाँ उसने मेहनत करके हमको दिला है।